ओके, लास्ट टाइम हमने सेंट्रा मास किया था. सेंट्रा मास के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप लगाओ कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन के अंदर आपको मिलेगा. और क्वेश्चन है कि सपोज आपके पास एक डिस्क है, राइट? ये एक डिस्क है. डिस्क का मास क्वेश्चन में गिवन है कितना? एम. एक डिस्क है और डिस्क का मास कितना गिवन है? एम. डिस्क का रेडियस इज कैपिटल आर. डिस्क का रेडियस इज कैपिटल आर. इस डिस्क में से, और मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेश्चन में गिवन है, इस डिस्क में से एक छोटी डिस्क को मैंने कट कर दिया, काट दिया. तो ये मैंने एक छोटी डिस्क है जिसे मैंने कट कर दिया. इस तरीके से कट किया कि इसका डायमीटर एग्जैक्टली कितना है? आर है, राइट? तो इसका डायमीटर भी एग्जैक्टली आर है, राइट? तो आर डायमीटर की डिस्क मैंने कट कर दी और फेंक दी. अब मुझे ये बताओ, जो मास है वो सिर्फ और सिर्फ इतने पोर्शन में बचा हुआ है जहां मैं शेड कर रहा हूं? इसके अंदर तो कोई मास ही नहीं है. मास कहां पर है? मास सिर्फ इतने पोर्शन में है. तो मुझे ये बताओ कि जब ये डिस्क कंप्लीट थी, जब ये डिस्क एकदम पूरी थी और मैंने इसमें से कोई भी डिस्क को कट नहीं किया था, तो ये बताओ कि इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली कहां पर था? सेंटर C1 पे था. अगर ये पूरी डिस्क होती तो सेंटर ऑफ मास कहां पर होता? C1 पे होता, राइट? अगर मैंने इसमें से ये हिस्सा निकाल दिया और फेंक दिया, ज्यादातर मास कहां दिख रहा है? ये मास है. तो सेंटर ऑफ मास भी ऑब्वियसली यहां कहीं आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वहां चला जाता है जहां पर ज्यादा मास पड़ा हुआ है. तो मास अगर पूरे का पूरा पड़ा हुआ है, सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है. मास अगर इतने पोर्शन में है, सेंटर ऑफ मास यहां पर आ जाएगा. तो आपको यह बताना है कि यह सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो जाएगा, एक्स की आपको वैल्यू बतानी है. यह क्वेश्चन है, राइट? क्वेश्चन समझ में आया? मतलब इमेजिन करो, ये क्लास है, क्लास में मान लो 50 लोग हैं, सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर पे है. मैंने इन स्टूडेंट को कहा आप घर जाओ, खाली कर दो यहां से. ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट हो जाएगा? सेंटर से हटके इस तरफ आ जाएगा जहां पर ज्यादा मास पड़ा हुआ है. तो क्वेश्चन है वो कितना डिस्टेंस शिफ्ट हो जाएगा. प्रॉब्लम समझ में आई कि प्रॉब्लम क्या है, करनी कैसे है, मैं आपको बताऊंगा. फिर मैं आपको एक और नया क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे, ठीक? तो करें स्टार्ट. तो सबसे पहला काम ये होता है कि आपको ये समझना है कि इसमें इसमें एक प्रिंसिपल है जिसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं. मैं बताऊंगा ये क्या है प्रिंसिपल, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि अगर ये डिस्क मैंने नहीं कट की होती तो इस डिस्क और इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास सेंटर C1 पे ही था, राइट? कोई डाउट इसमें? अच्छा, एक मिनट के लिए ये डिस्क भूल जाओ, सिर्फ अकेले ये डिस्क है बस. इस डिस्क का मास कितना है जो आपने कट करके फेंक दिया? इसको निकालें पहले. तो जितना मास आपने कट करके फेंका, सबसे पहले देखते हैं कि इसका रेडियस कितना है. बोलो इसका रेडियस कितना है? R/2. समझते हो इस बात को? तो मैंने R/2 रेडियस की डिस्क उठा के कट करके फेंका है. तो इसका मास निकालें पहले. इसका मास निकलेगा कैसे? कभी भी इन डिस्क का, स्फेयर का, कट के हुए किसी भी चीज का मास निकालना हो, सबसे पहले यह देखना होता है कि मास की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है. वॉल्यूम वाइज है, लेंथ वाइज है, या एरिया वाइज है? डिस्क में डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है? एरिया वाइज. डिस्क के ऊपर एरिया वाइज ही मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. तो मुझे सिर्फ यह बताओ कि अगर आपके पास एरिया पूरे डिस्क का π r² है, तो मास कितना है पूरे डिस्क का? m है. एरिया अगर π r² है तो मास m है. और अगर 1 है तो ये मेरे पास क्या आ गया? मास पर यूनिट एरिया. दिस इज मास नहीं, दिस इज मास पर यूनिट एरिया, राइट? जिसको आप सिग्मा का नाम भी दे सकते हो. वैसे तो सिग्मा का मतलब यही होता है, मास अपॉन टोटल एरिया, राइट? तो जिस डिस्क को आपने कट किया उसका एरिया कितना है? π r/2 square. तो इसका मास कितना आएगा? मास पर यूनिट एरिया को एरिया से क्या कर दें? मल्टीप्लाई. तो आपके पास कितना मास आ गया? m/4. क्लियर यहां तक? तो यानी कि जितनी डिस्क को आपने कट करके फेंका उसका क्या आ गया आपके पास? मास आ गया. ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक?
तो जिस डिस्क को आपने कट करके फेंका, मास इज एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसका मास आपने एरिया वाइज निकाल दिया। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, ओके। अब मेरा एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि सपोज करो ओरिजिनल क्वेश्चन ऐसे था, ये कंप्लीट डिस्क थी, इस कंप्लीट डिस्क का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली इसके सेंटर पे था, जहां पर कितना मास पड़ा हुआ था, एम। आपने इतनी डिस्क को उठा के कट करके फेंका जिसका मास कितना था, एम बाय फोर, तो आपका सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट हो गया, सी वन से सी थ्री। तो यहां कितना मास पड़ा होगा, एम माइनस एम बाय फोर, टोटल मास एम है, एम बाय फोर का मास फेंक दिया, बचा कितना, एम माइनस एम बाय फोर, और वो कहां मिलेगा आपको, वो यहां मिलेगा जहां नया सेंटर ऑफ मास है। क्या पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो इस केस में मैं इस अगर डायग्राम को रीड्रॉ करूं तो क्या मैं इसे ऐसे ड्रॉ करूं कि मेरे को इसकी शेप से तो अभी क्या लेना देना नहीं है, मेरे को बस के तीन पॉइंट्स दिख रहे हैं। पहला मुझे C1 दिख रहा है जहां टोटल मास कितना है, M। दूसरा मुझे पॉइंट C2 दिख रहा है जहां टोटल मास कितना है, M बाय फोर। तीसरा पॉइंट मुझे क्या दिख रहा है, C3 दिख रहा है जहां M माइनस M बाय फोर, यानी कि 3 M बाय फोर। राइट, क्या है पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, तो इस केस में मैं मान लेता हूं एक मिनट के लिए ये M2 मास है, ये मान लो M1 मास है। एक काम करते हैं, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर मैं जो डिस्क कट गई M बाय फोर मास की, उसको अगर मैं वापस यहां पर प्लेस कर दूं तो सेंटर ऑफ मास वापस कहां पर आ जाएगा, एट पॉइंट C1। हटाएंगे तो C3, लगाएंगे तो C1। राइट, अच्छा, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं C1, C2 और C3 का मास अगर जोड़ दें, प्लस कर दें, तो कहां पर आ जाएगा मास, C1 पे मास M आ जाएगा आपके सामने, इन दोनों को ऐड करेंगे यही आ रहा है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि C2 और C3 का सेंटर ऑफ मास खुद कौन है, C1। तो C1 इज सेंटर ऑफ मास ऑफ C2 एंड C3। क्या स्टेप समझ में आया? देख लो, करके देख लो, इसका इसका मास ऐड करके देखो, टोटल मास देखो M आ रहा है, इसका मतलब ये इसका सेंटर ऑफ मास है। कोई डाउट इसमें? क्या पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो अगर ये सेंटर ऑफ मास है इन दोनों का, तो मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन है, क्योंकि आपको तो x निकालना है ना यहां पर x, और ये डिस्टेंस कितना है, r बाय 2, ये डिस्टेंस r बाय 2 अभी डिस्कस किया था, और ये कितना था x। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? तो अगर ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस में कोऑर्डिनेट बनाते हैं, ये x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, r बाय 2 कॉमा 0, x एक्सिस r बाई टू कॉमा जीरो। अच्छा बोलो, इसका क्या बनेगा, माइनस x कॉमा जीरो। राइट, तो लेफ्ट और राइट का कोऑर्डिनेट ले लिया, और मुझे पता है कि x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, m1 x1 m2 x2 m1 प्लस m2, और इस केस में मैंने अज्यूम किया कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना है, जीरो इज इक्वल टू m1 की जगह ये रहा m1 कितना, 3 m बाय 4, और इन टू माइनस x, m2 की जगह m by 4 into कितना r by 2 divided by total mass 3 m by 4 plus m by 4, obviously m आएगा, कट जाएगा यहां से, तो इसको सॉल्व करें तो 3 m by 4 into x is equal to m r by 2 into 4, 4 से 4, m से m cancel, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, r divided by, तो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हुआ by distance of R by 6, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया है मेंस और नीट में, बहुत अक्सर रिपीट होता रहता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर कटिंग करनी है तो क्या करना है? क्या है पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो अगर आपने डिस्क में से कोई डिस्क को कट किया तो क्या करना है, समझ में आया कि इसकी शिफ्टिंग कैसी होगी सेंटर ऑफ मास की, और एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, ध्यान से ऑब्जर्व कर लो। ठीक, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने पहले जिस पोर्शन को कट किया उसका मास ले लेना है, टोटल मास ले लेना है, बचा हुआ मास ले लेना है, इसको ओरिजिन मान लेना है, इसका कोऑर्डिनेट गिवन होगा, इसका निकालना होगा माइनस एक्स कॉमा जीरो, और सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला का क्या आंसर आ जाएगा। एक काम करते हैं, आप अपने हाथ से एक क्वेश्चन करके देखो।
तभी पता लगेगा कि आपको कितना समझ में आया, राइट। तो नोट करना है, नोट कर लो। वैसे मेरे शीट के अंदर आखिरी क्वेश्चन यही था जो मैंने मिस किया लास्ट टाइम, एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन है ये। आपने नोट करना है, आप नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको नया क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए। तो जिनका ये क्वेश्चन हो गया वो प्लीज इस क्वेश्चन को करके दिखाएं और आंसर क्या है बताएं। सपोज एक डिस्क है, फिर से एक डिस्क है, रेडियस आर है और मास एम गिवन है। इस बार मैंने एक स्क्वायर शीट को, ये रहा एक स्क्वायर शीट जिसका डायगोनल आर है, राइट, डायगोनल आर है, इसको कट कर दिया और आपको बताना है कि जो बचा हुआ पोर्शन है सेंटर ऑफ मास उसका ऑब्वियसली यहां पर होगा, तो बताओ ये एक्स कितना होगा। लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा बाय अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, सेम क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू बताओ इसमें क्या होगी, निकालो, ट्राई करो प्लीज। हाँ ये स्क्वायर,
सबसे पहले मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स एरिया, राइट, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है. तो सबसे पहले काम ये करना है कि जिस पोर्शन को कट किया उसका मास निकालो. तो सबसे पहले काम क्या करना है इसमें, ये आर है. तो कई लोग कह रहे हैं कि एरिया निकालने का तरीका ये आर है पहला तरीका, तो इसका हाफ डायगनल क्या हो जाएगा, आर बाय टू. ऐसे ये भी कितना हो जाएगा, आर बाय टू. तो ये साइड क्या हो जाएगी, आर बाय टू का स्क्वायर प्लस आर बाय टू का. ये एक तरीका है. तो इसका एरिया क्या होगा, एल स्क्वायर, पहला तरीका. दूसरा शॉर्टकट, हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू, स्क्वायर का एरिया, हाफ इंटू डायगनल वन इंटू डायगनल टू. अच्छा ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ नहीं, साइड स्क्वायर. अच्छा साइड स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना आएगा, आर स्क्वायर बाय फोर प्लस आर स्क्वायर बाय फोर. कितना आएगा, आर स्क्वायर बाय टू. क्या है पॉइंट, क्लियर है, ठीक ठीक, आर स्क्वायर बाय टू. अब टोटल, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन मास की एरिया वाइज है, तो पाई आर स्क्वायर डिस्क का एरिया, तो मास कितना है, एम वन है, तो एम डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर. और अगर कितना, आर स्क्वायर बाय टू, तो एम डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाय टू. तो कितना आ गया, एम डिवाइडेड बाय टू पाई. ठीक है, तो मास आ गया जो हमने कट किया. अब अगर ये मास आ गया तो सी टू सी थ्री सी वन, ये सी वन है और ये सी थ्री है सपोज. तो सी थ्री का मतलब है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ स्क्वायर. तो जो स्क्वायर है उसका मास, अगर ये कट ना होता तो स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होता सी थ्री, और कितना होता एम, इसका मास कितना है, एम डिवाइडेड बाय कितना, टू पाई. और अगर मैंने पूरी डिस्क में से इसको कट कर दिया तो बचा हुआ मास यहां पर कितना आ जाएगा, एम वन इज इक्वल टू कितना, एम माइनस एम डिवाइडेड बाय टू पाई. अगर इतना कट किया तो रिमेनिंग कितना है, एम माइनस एम डिवाइडेड बाय टू पाई. और अगर आप इन्हें ऐड करेंगे तो टोटल मास कितना आ जाएगा, एम. क्लियर है यहां तक, तो मेरे को बताना है कि एक्स कितना है और ये डिस्टेंस मुझे क्वेश्चन में गिवन है कितना, आर बाय टू, आर बाय टू. तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन गया, आर बाय टू कॉमा जीरो. सेंटर ऑफ मास क्या क्या लेंगे, जीरो कॉमा जीरो, और इसका क्या लेंगे, माइनस एक्स कॉमा जीरो. ठीक है यहां तक. और फाइनली वही तरीका कि एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एम वन इंटू एक्स वन एम टू इंटू एक्स टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू. तो एक्स सेंटर ऑफ मास की जगह जीरो, एम वन की जगह पुट कर सकते हैं एम माइनस एम डिवाइडेड बाई टू पाई इंटू माइनस एक्स, और एम टू की जगह क्या पुट कर सकते हैं, एम डिवाइडेड बाई टू पाई इंटू आर बाई टू डिवाइडेड बाई एम माइनस एम डिवाइडेड बाई टू पाई प्लस एम बाई टू पाई. तो टोटल मास तो वही आ जाएगा, वो कैंसिल भी हो जाएगा. यहां से सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की, एक्स कैन बी, ऐसे किया तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहां से. क्या आपको मेथड समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक आध क्वेश्चन तो आता ही है इस टाइप का, ठीक. इसमें नहीं आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा. वो कहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का 2 बाय 5 mr स्क्वायर है, उसमें से एक छोटा स्फीयर कट कर दिया तो रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो. अगर ये नहीं आएगा, एक चार्ज्ड डिस्क है उसमें से एक चार्ज छोटी डिस्क को काट दिया, बचे हुए डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो. अगर ये नहीं आएगा, एक ग्रेविटी अर्थ है, अर्थ में से एक छोटी अर्थ को निकाल दिया फेंक दिया तो ग्रेविटेशनल फील्ड निकालो बचा हुआ. अगर ये नहीं आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक चार्ज नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्फीयर है, उसमें से कट कर दिया, बचा हुआ मैग्नेटिक फील्ड निकालो. बस इतना ही है, पांच है. याद आया एक और क्वेश्चन. क्वेश्चन है कि सपोज क्वेश्चन में गिवन है, लेट अस सपोज दिस इज अ स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r. तो इस स्फीयर में से एक छोटे स्फीयर को कट कर दिया ऑफ रेडियस r बाय 2, राइट. तो बताओ सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो गया स्फीयर में.
अच्छा ये भी एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, कोई अगर ये कहे कि स्फेयर को बिल्कुल सेंटर से काट दो, यहां से कट कर दो, अब बताओ आंसर सेम रहेगा? नहीं, वही रहेगा। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जब आप सेंटर से काट रहे हो तो इक्वल यहां से मास उड़ा रहे हो, तो सेंटर ऑफ मास इन बचे हुए पोर्शन का सेंटर पे ही आएगा। अगर वो नहीं, क्वेश्चन नहीं वेट पे, क्वेश्चन नहीं है इस पे, सेंटर ऑफ मास पे ही क्वेश्चन है। हाँ, वैसे तो कम हो गई होगा ऑब्वियसली, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक। तो इस केस में आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन है कैसी। तो इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वॉल्यूम वाइज है, तो आप इसमें क्या करेंगे, प्लीज साइलेंस, आप सबसे पहले जो पोर्शन कट किया उसका मास निकालेंगे। तो सबसे पहले 4/3 पाई आर क्यूब, अगर वॉल्यूम है तो मास कितना है, एम, वन है तो एम डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, और जो पोर्शन हमने कट किया आर बाय टू का होल क्यूब, तो 4/3 पाई एम डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाय 8, सॉल्व करके क्या आ गया, एम बाय 8, राइट। तो आपका जो पोर्शन आपने स्फीयर का कट किया उसका मास है एम बाय 8। तो अब आपने क्या करना है, अब इस केस में यहां पर यानी कि जो कट किया उसका मास है एम बाय 8, ठीक, और जो टोटल मास था पूरे स्फीयर का वो था एम, और शिफ्ट कितना हो गया, एक्स, तो m माइनस एम बाय 8 यानी कि 7 m बाय 8, ठीक। तो एक ही लाइन में लाई करेंगे, मान लो ये C3 है, मान लो ये C2 है, कुछ भी मान लो, तो C3 C2 और C1 ये x है, ये r बाय 2 है, तो r बाय 2 कॉमा 0 माइनस x कॉमा 0, और टोटल यहां पर जो मास है m2 दैट इज m बाय 8, और m1 की वैल्यू 7 m बाय 8, टोटल मास m है, x सेंटर ऑफ मास एंड y सेंटर ऑफ मास जो कि कितने है 0 एंड 0। तो आप ये सारी वैल्यूज को यहां पुट करेंगे, तो 0 m1 की जगह 7 m बाय 8 इंटू माइनस एक्स प्लस m2 की जगह m बाय 8 और x2 की जगह r बाय 2 डिवाइडेड बाय 7 m बाय 8 और m बाय 8, और ये यहां से चला जाएगा, यहां से x की वैल्यू आएगी कितनी आ रही है, R डिवाइडेड बाय 14, तो लेफ्ट की तरफ R बाय 14 शिफ्ट हो जाएगा। तो पॉइंट सबको समझ में आ गया, तो आज के बाद ये कट करने वाली प्रॉब्लम आएगी, हो जाएगी सॉल्व, ठीक ठीक, इंपॉर्टेंट है। करें स्टार्ट आए, हाँ तो माइनस में आंसर आता, पर जरूरत नहीं ना, ये ज्यादा बेटर है, ओरिजिन के लेफ्ट की तरफ नेगेटिव रखो और राइट की तरफ पॉजिटिव रखो, इजी है समझना। ओके, देखो प्लीज, नेक्स्ट बुकलेट ओपन कर सकते हो अपनी, बुकलेट में सेंटर ऑफ मास का नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं चाहिए, नहीं है, वैसे बता रहा हूँ बुकलेट के अंदर से थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, राइट, जिनके पास है वो ओपन कर सकते हैं। तो इसके अंदर सेंटर ऑफ मास का चैप्टर यहाँ से स्टार्ट है बुकलेट में, सेंटर ऑफ मास क्या है ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है, सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन हमने किया हुआ है, मैंने हाथ से लिख के दिया था, तो यही से लिख के दिया था, यहां से कर लो या अपने हैंड रिटन से कर लो, एक ही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सारा कुछ हमने किया हुआ है, एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल, ये सब किया हुआ है, इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस, ये सब कुछ किया हुआ है, राइट। आज जो हमने करना है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हमने फोर्स में किया हुआ है, पर हमने सेंटर ऑफ मास की फॉर्म में नहीं किया। देखो, सपोज करो अगर आपके पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इस सिस्टम में, मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ये एक सिस्टम है और ये सारे का सारा आगे की तरफ मूव कर रहा था, मेरी वेलोसिटी है v1, इसकी v2, इसकी v3, इसकी v4, मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से सपोज मूव नहीं कर रहा, मैं अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा हूं,
ये भी अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है, ये भी चेंज कर रहा है, ये भी चेंज कर रहा है। मेरी किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी वी वन है, इसकी इंस्टेंट पे वेलोसिटी वी टू है, ऐसी किसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी वी थ्री है, अगले इंस्टेंट पे चेंज हो जाएगी। इसका मतलब हमारे ऊपर हर पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रही है, क्योंकि अगर वेलोसिटी चेंज होती है, मोमेंटम चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, इसका मतलब कोई हमारे ऊपर फोर्स लगा रहा है। मेरा पहला क्वेश्चन, हम सब पे कितनी फोर्स लग रही है? पहला तरीका में से स्टार्ट करते हैं, मेरी फोर्स, मेरी फोर्स क्या है? dp1/dt, इसकी फोर्स d/dt ऑफ इसका मोमेंटम, इसकी फोर्स इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और ऐड कर दो। 50 लोग हैं, 50 के 50 का वेक्टर सम ले लो तो ये टोटल फोर्स आ जाएगी। ये स्टेप समझ में आया? टोटल फोर्स इज d/dt ऑफ m1 v1 m2 v2 m3 v3 अप टू mn v1 इन वेक्टर फॉर्म, तो इन सबका रिजल्टेंट हो जाएगा। ये लंबा तरीका है और इसमें मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल तक जाना पड़ता है। तो एक और तरीका है, क्या तरीका है कि अगर हम इस सारे मासेस की जगह एक मास ले लें, जो कहां पर पड़ा होगा? एट सेंटर ऑफ मास, एम मास पड़ा सबका सम, और क्योंकि हम सब मूव कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का की भी कोई वेलोसिटी होगी, वो भी मूव कर रहा होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम सेंटर ऑफ मास की फॉर्म में सीधा एक्सप्रेशन लिखते हैं, d/dt ऑफ सीधा ये कुछ नहीं है m into v, इसके ब्रैक नीचे आएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये v फॉर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास अगर बिल्कुल करेक्ट कॉन्सेप्ट है तो इस एक्सप्रेशन से सॉल्व किया हुआ आंसर वही आंसर देगा जो मैं इंडिविजुअली कर रहा था, हमने शायद लास्ट टाइम भी डेरिवेशन के अंदर भी सेम ये डिस्कस की थी। तो आप इंडिविजुअली वेक्टर सम ले लो या आप इससे ले लो, एक ही बात है। मास बाहर आ गया तो फोर्स इज एम डी वी बाई डी टी, वेयर एम इज टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब सपोज करो इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, एफ की वैल्यू जीरो, तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास या तो जीरो होगी या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कॉन्स्टेंट होगी, ऐसी फीलिंग आ रही होगी। न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं, इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम देन आइदर अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और विल मूव विद अ कॉन्स्टेंट, वही चीज है। पॉइंट समझ में आया कि सेंटर ऑफ मास की टर्म में एक बॉडी की वेलोसिटी या तो जीरो होगी या फिर अगर वो मूव कर रही है तो मूव ही करती जाएगी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। कोई डाउट इसमें? ठीक। और एफ इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है? दिस सिस्टम इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, और आइसोलेटेड सिस्टम ऑलरेडी हमने किए हुए हैं फोर्थ चैप्टर में, विच फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। तो ये तो थ्योरी है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है या जीरो होती है। मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। मान लो आपके पास एक बॉम्ब है, ठीक है, एक बॉम्ब है। बॉम्ब जब एक्सप्लोड होता है, मान लो दो टुकड़े निकलते हैं, तो एक टुकड़ा अगर आगे जाता है m1 v1 तो दूसरा पीछे आएगा ही आएगा टू कंजर्व द मोमेंटम विद द मोमेंटम ऑफ m2 v2, ताकि नेट मोमेंटम आगे और पीछे का क्या हो जाए, कैंसल, हमने किया था पहले, और नेट मोमेंटम पहले भी जीरो अब भी जीरो ही आ जाए, ऐसा हमने किया, राइट। मैं इसको अलग फॉर्म में समझाता हूं। सपोज करो एक मिनट के लिए ये एक मास m है, मैं एक मास m, हम दोनों का मास बराबर है m एंड m, हमारा सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? हमारे सेंटर पे, ये ना इमेजिनरी पॉइंट, ये ना। चलो एक काम करते हैं, ये एक मीटर दूर जाता है, मैं भी एक मीटर दूर जाता हूं, बोलो सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? सेंटर पे। चलो ये दो मीटर दूर जाता है, मैं दो मीटर दूर जाता हूं, तब भी सेंटर पे, राइट। अब उसी तरीके से अगर मान लो ये बॉम्ब है, बॉम्ब अभी एक्सप्लोड नहीं हुआ, बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं हुआ, तो बॉम्ब अगर मान लो दो टुकड़ों में एक्सप्लोड होने वाला है तो सेंटर ऑफ मास उसका किस पे पड़ा हुआ है अभी? एट रेस्ट, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है। और ये लॉ क्या बोलता है? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, एफ ने अप्लाई किया, तो सेंटर ऑफ मास अगर पहले रेस्ट पे है तो एक्सप्लोजन के बाद भी किस पे रहेगा? एट रेस्ट। आपको वो कैसे? बॉम्ब के तो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा वहां गया, एक टुकड़ा यहां हुआ। अब इमेजिन करो दो टुकड़े बराबर हो गए, अब जब दो टुकड़े बराबर हुए तो m और m, एक उधर जाएगा मैं इधर आऊंगा, अगर ये एक मीटर उधर जाएगा तो मैं एक मीटर इधर आऊंगा, अगर ये चार मीटर उधर जाएगा तो मैं चार मीटर इधर आऊंगा, सेम मास है क्योंकि, तो सेंटर ऑफ मास अभी भी किस पे पड़ा रहेगा? एट
रेस्ट, चाहे बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाए और उस जगह पर कुछ ना बचे तो भी सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज नहीं होगी। ये पॉइंट समझ आया यहाँ तक? ये तो समझते हो ना, अगर मास बराबर है और इक्वल दूरी पे जाए तो सेंटर ऑफ मास पोजीशन चेंज नहीं करता। बॉम्ब के अंदर भी ऐसे ही है। तो अगर बॉम्ब की एक्सप्लोजन होती है और दो टुकड़े एम और एम के निकलते हैं और दोनों एक एक मीटर दूर जाते हैं, तो सेंटर ऑफ मास पहले भी रेस्ट पे, अब भी रेस्ट पे ही है। अब कोई कहता है कि सर अगर टुकड़े बराबर ना निकले तो? कोई बात नहीं, जो बड़ा टुकड़ा है एम वन वो कम वेलोसिटी के साथ जाएगा, जो छोटा टुकड़ा है एम टू वो ज्यादा वेलोसिटी के साथ जाएगा, सच दैट एम वन इंटू वी वन का प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू एम टू इंटू वी टू। और नेट वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की पहले भी रेस्ट पे थी, अब भी रेस्ट पे ही आएगी। जैसे सपोज करो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता क्या है, वैसे बताना, एम वन इंटू एम टू इंटू वी टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस। और जब बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है तो इनका नेट सम क्या आता है? जीरो, क्योंकि एम वन वी वन और माइनस एम टू वी टू में की वजह से प्रोडक्ट तो बराबर ही होता है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली क्या आएगी, अगर बॉम्ब नहीं फटता तो भी जीरो, अगर दो पार्टिकल में टूट भी जाता है, एक्सप्लोड हो भी जाता है तो भी इस तरीके से एक्सप्लोजन होगा कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हर हालत में क्या रहेगी, जीरो ही रहेगी। लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर ये एक्सप्लोजन फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर, अगर ये नहीं होगा ना फिर ये भी जीरो नहीं होगा। अगर ये कैंसिल करेंगे, और ये तभी कैंसिल करेंगे व्हेन सिस्टम इज आइसोलेटेड सिस्टम, और तभी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किस पे रहेगा, एट रेस्ट। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, इसका मतलब क्या है? क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो इसका मतलब समझ में आया कि सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे है और अगर वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉलो करता है तो बाद में भी किस पे पाया जाएगा, एट रेस्ट, चाहे दो टुकड़े या उसके अगर एन टुकड़े भी हो जाते हैं, दो की जगह तीन हो जाते हैं, चार हो जाते हैं, एन हो जाते हैं, वो इस तरीके से मूव करेंगे इन ऑपोजिट डायरेक्शन ताकि उनका नेट वेक्टर सम मोमेंटम का एम वन वी वन एम टू वी टू एम थ्री वी थ्री एम फोर वी फोर आपस में कैंसिल हो जाए और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फिर से क्या आ जाए, जीरो। पहला रूल क्लियर है? अच्छा सपोज करो मैं एक और रूल लेता हूं। मान लो एक बॉम्ब है और इस बार बॉम्ब प्रोजेक्टाइल की तरह फेंका आपने, बॉम्ब फटाई नहीं तो प्रोजेक्टाइल की तरह जहां से भेजना था वहीं जाके गिर गया, पार्टी खत्म। तो बोलो बॉम्ब का सेंटर ऑफ मास कहां पर है? बॉम्ब के सेंटर पे अंदर ही होगा, जहां भी होगा बॉम्ब के अंदर है। तो सेंटर ऑफ मास क्या ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहा है? पैराबोला, राइट? अभी एक्सप्लोड नहीं हुआ, बाय चांस नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तो पैराबोला ही कर रहा है। क्लियर हो गया केस? अच्छा चलो इमेजिन करो बॉम्ब आया, एक्सप्लोजन हो गया, अब सेंटर ऑफ मास कहां गया? कितने लोग मानते हैं कि अब भी वो वही रास्ता फॉलो करेगा जो वो बिना फटे कर रहा था, एक्सप्लोजन से पहले कर रहा था, अब चाहे दिखे कुछ ना, उसके एन नंबर ऑफ पार्टिकल इधर उधर गिर जाएं, तो भी रूल ये बोलता है कि एक्सप्लोजन फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अगर एक्सप्लोजन एक आइसोलेटेड सिस्टम है और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इसमें लग रहा है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट, यानी कि एक्सप्लोजन से पहले जो रास्ता पैराबोला उसने कवर करना था, एक्सप्लोजन के बाद भी वही रास्ता सेंटर ऑफ मास फॉलो करेगा चाहे वहां पर एक भी टुकड़ा ना जाए। एग्जांपल समझाता हूं, जैसे सपोज करो लेट अस सपोज एक बॉम्ब मूव करता है कुछ इस तरीके से, राइट? वैसे तो सेंटर ऑफ मास ये रास्ता फॉलो कर ही रहा था, अगर एक्सप्लोजन नहीं होता बात ही खत्म थी, पैराबोला था। मान लो एक्सप्लोजन हो गया, ये लो हो गया, अब इसके जो टुकड़े निकले एक दो तीन चार या जो भी निकले, एक दो तीन चार या चार सौ या मुझे पता नहीं कितने निकले, चलो मान लो चार निकले, दो मिनट के लिए
किसी ने इस पूरे स्नैपशॉट ले लिया, इसे रोक लिया, 2 मिनट बम को रोक लिया हवा में, ऐसे ही जैसे दिख रहा है आपको, आगे नहीं मूव करना, कॉपी पेंसिल ली, उसने इसका कोऑर्डिनेट चेक कर लिया, x1, y1, x2, y2, x3, y3 और x4, y4, कॉपी पेंसिल लेके m1, x1, m2, x2, m3, x3, m4, x4, ऐसी m1, y1, m2, y2 करके x सेंट्रोमास और y सेंट्रोमास जब निकाला तो मालूम है यहां मिला आपको, राइट। फिर अगला स्नैपशॉट लिया, वो चार टुकड़े के कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, जहां भी अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं वो चेंज हुए, अलग स्नैपशॉट लिया, फिर से फॉर्मूला लगाया, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पता है कहां आई, यहां आई, फिर चार टुकड़े और आगे चले गए, कोई इधर कोई इधर गया, फिर 2 मिनट के लिए रोका और कोऑर्डिनेट्स लगा के फिर एक्स सेंटर ऑफ मास एंड वाई सेंटर ऑफ मास निकाला, हर जहां मर्जी लगा लेना, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हमेशा यहीं पे दिखेगा आपको। अब वो ये रूल है, नेचर का रूल है कि एक्सप्लोजन होता ही इस तरीके से है कि सेंटर ऑफ मास अपना पाथ कभी भी चेंज नहीं करता, टुकड़े करेंगे सेंटर ऑफ मास के हिसाब से, टुकड़ों के हिसाब से सेंटर ऑफ मास नहीं करेगा, क्योंकि एक्सप्लोजन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉलो करता है। तो अगर एक्सप्लोजन से पहले उसने पैराबोला जाना था तो एक्सप्लोजन के बाद भी उसने पैराबोला ही जाना है। तो चार टुकड़े इस तरीके से मूव करेंगे कि उसके हर वक्त जब आप सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो वो ट्रेजेक्ट्री उसकी पैराबोला ही दिखेगी आपको। तो इसको बोलते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मैंने अप्लाई किया और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर कांस्टेंट थी और वही रास्ता फॉलो कर रही थी पैराबोला, तो एक्सप्लोजन के बाद भी उसकी वेलोसिटी वेक्टर सेम रहेगा और पैराबोला ही कवर करेगा, चाहे आपको वो आपको ना भी पसंद आए, आपको अजीब भी लगे तो भी कोई बात नहीं, पर ऐसा ही है। तो कोई लोग कह रहे थे टुकड़े वापस नहीं आते, आते होंगे, 2-3 वापस आ जाते हैं। मान लो आप रॉकेट होते हो, आप रॉकेट में पैक्ड हो और पीछे एक स्टिक है और आप रॉकेट के अंदर बैठे हो, आपको एक्सप्लोड होना ऊपर जाके, अभी आप यहाँ पर आए हो, अब आपको आपको ऑर्डर दिया आ रहा है एक्सप्लोजन करो चलो ठीक, और आपको कैसे गिरना है, तो आधे उधर गिरें, आधे इधर गिरें, या आगे की तरफ गिरें प्लीज, क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को पैराबोला कवर करवाना है। अगर आधी क्लास पीछे भाग जाएगी फिर सेंटर ऑफ मास आगे कैसे जाएगा, पैराबोला नहीं कवर करेगा, पैराबोला यानी कि आगे जा रहा है, सेंटर ऑफ मास अगर आगे जाएगा तो ज्यादातर पार्टिकल आपको आगे ही जाते दिखाई देंगे। क्लियर यहां तक? तो ये रूल है कि सेंटर ऑफ मास ने पैराबोला ही कवर करना है। तो पार्टिकल एक्सप्लोजन होगा ही इस तरीके से बाय नेचर, उसमें फटना ही ऐसे है कि उसके सेंटर ऑफ मास को पैराबोला ही कवर करना है और वो आगे की तरफ ही गिरने वाले हैं। अच्छा, और एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक रॉकेट है, एक रॉकेट क्या है, एक शॉट है, दिवाली का शॉट है, ठीक। प्रैक्टिकल तो चलो इधर उधर ढेड़ा बेड़ा हो जाता है, इधर उधर गिर जाता है। मान लो एक मिनट के लिए फिजिक्स वालों से पूछो कि देखो कैसे चलेगा, एक बॉटल में से एक शॉट निकला या किसी भी चीज में से, एक डिब्बे में से निकला और वो एकदम स्ट्रेट गया, तो रूल ये बोलता है कि सेंटर ऑफ मास बॉम्ब के अंदर है बिना एक्सप्लोजन के, अगर वो बॉम्ब नहीं फटता तो वो शॉट अगर मान लो 40 मीटर ऊपर गया तो 40 मीटर नीचे उस होल में ही जाएगा, उस बॉटल में ही जाएगा। रूल तो ये बोल, वो आता नहीं, वो अलग बात है, वो एयर की रेजिस्टेंस है, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, बात अलग है, पर रूल ये बोलता है फिजिक्स का कि जहां से निकला वहीं पर वापस आना चाहिए। हम तो काइनेमेटिक्स में करते भी हैं, बॉल को ऐसे फेंका तो वो हाथ में ही आती है, वो आए ना आए वो अलग बात है, बट प्रैक्टिकल वैसे पॉइंट समझ में आ रहा है, आइडल केस में वापस आएगा। तो अगर एक्सप्लोजन नहीं होता और वो चीज वहीं वापस आती है, और अगर एक्सप्लोजन हो जाता है तो भी वो चीज वहीं वापस आएगी। आप कहोगे जब मैं दिवाली का पटाखा जलाऊं मेरा तो कोई वापस नहीं आता, खाली बॉटल दिखती है मेरे को, क्यों, क्योंकि जब वो ऊपर जाता है, जब वो ऊपर जाता है एक्सप्लोजन होता है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, अब वो जो फ्लावर बनता है, डिजाइन बनता है, टुकड़े देखो कैसे जा रहे हैं, हर तरफ इस तरीके से जा रहे हैं यूनिफॉर्म हर तरफ, क्योंकि एक तरफ गिर गए तो सेंटर ऑफ मास यहां से ऐसे तो हो नहीं सकता अपने आप, तो सेंटर ऑफ मास ऐसे आने है, तो टुकड़े इस तरीके से नीचे आ रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास उसका बराबर वैसे ही नीचे आएगा जैसे वो गया था। तो अब जब दिवाली होगी ना तो देखना कैसे पटाखे फूटते हैं। पॉइंट समझ में आया? क्योंकि सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब नहीं करना, सेंटर ऑफ मास जो है वो पाथ वही फॉलो करेगा जो वो बिना फटे कर रहा था। ओके, तो इसमें आपकी बुकलेट में ये
एग्जाम्पल लिखे हुए हैं बुकलेट के अंदर. क्या मेंशन है आपकी बुकलेट में? पहला कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम ये डिस्कस किया हुआ है, व्हेन अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस इनिशियली एट रेस्ट डीकेज, एक न्यूक्लियस अगर एक्सप्लोड होता है बॉम्ब की तरह, तो इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. और अगर देखो एक और कंफ्यूजन है, एक स्टूडेंट से भी बात की, वो कहता है कि देखो सर ऐसा है कि बोट है, मैं इस एग्जाम्पल से पहले बोट का एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, बोट है, रादर मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक बोट है और एक मैन है, मैन आगे जाता है बोट पीछे आती है, चलो मैन नहीं चलता मैं खड़ा हूं, बोट भी खड़ी है, सेंटर ऑफ मास हमारा ये रहा, मैं चलता हूं बोट पीछे आती है, बोलो सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा? बोट के साथ, क्योंकि वो भारी है, या मेरे साथ, या वही रहेगा? कितने लोग बोलते हैं वही रहेगा, क्योंकि बोट और मैन फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर. देखो ये रूल सिर्फ एक ही जगह लगना है, जब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन है. ये थोड़ी ना कि बोट खड़ी थी और लेट अस सपोज बोट का सेंटर मास बोट के अंदर है, और कोई गया उसने 2 किलोमीटर बोट को धक्का मारता गया, बोट तो चली गई, फिर उसे पूछा सेंटर मास कहाँ है, उसने कहा सर ने कहा था कि सेंटर मास तो वहीं रहता है जहां वो पहले ही था, भाई बोट चली गई उसके अंदर ही है. ये रूल तब लगेगा जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जब बाहर से धक्का मारते हैं तो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड, फिर थोड़ी ना कोई ये रूल लगेगा, फिर तो ये रूल ही लगेगा कुछ भी, फिर तो साथ ही चल पड़ा सेंटर ऑफ मास. लेकिन जब एक्सप्लोजन होगा, या हमने फोर्थ चैप्टर जब किया था, उस फोर्थ चैप्टर में मैंने आपको लिस्ट बनाई थी कहां कहां आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं, बस ये वहीं लगेगा, इसके अलावा कहीं नहीं लगेगा. तो जब बोट पे मैन चलता है, इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हमने किया. और क्या बनती थी क्वेश्चन याद है? m1v1 -m2v2, बिल्कुल वैसे ही. तो वहां पर लगेगा, तो सेंटर ऑफ मास अगर चलने से पहले रेस्ट पे था सिस्टम का, तो जब मैन चलता है और बोट पीछे आती है, तो भी सेंटर ऑफ मास किस पे रहेगा? एट रेस्ट ही रहेगा. क्लियर यहां तक? लेकिन अगर कोई बाहर से मैन और बोट को धक्का मारता है, फिर वो साथ ही चल पड़ेगा, फिर नहीं वो रेस्ट पे रहेगा. डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में? क्या डिफरेंस है? हर जगह नहीं लगेगा. एक्सप्लोजन हो रहा है, एक्सप्लोजन के अंदर नेचुरल सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, हमने किया था फोर्थ चैप्टर में, तो वहां पर लगेगा. राइट, गन है और बुलेट है, वहां लगेगा. अगर गोली नहीं चलाई, सेंटर ऑफ मास बंदूक के अंदर है, और गोली चल गई, बंदूक पीछे गिर गई और बुलेट आगे चली गई, तो लगेगा. क्यों लगेगा? क्योंकि गन और बुलेट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर m1v1 m2v2, तो वहां लगेगा. पॉइंट समझ में आ रहा है कि कहां लगेगा और कहां नहीं लगेगा? एक्सप्लोजन में लगेगा, बोट वाले एग्जाम्पल में लगेगा, गन और बुलेट में उसमें भी लगेगा, न्यूक्लियस जब फटता है और 2 न्यूक्लियाई निकलते हैं छोटे छोटे, उसमें भी लगेगा, क्योंकि इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. क्लियर यहां तक? बाकी और कहीं नहीं लगेगा, हर जगह. ठीक, गुड आउट. इसमें तो इसमें सेम चीज, उसने मेरे से ये पूछा अभी कि प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल दे रहा था मैं, उसने कहा ठीक है एक पैराबोला की तरह सेंटर ऑफ मास ट्रेवल करेगा, राइट, मैंने कहा. उसने कहा टुकड़े हुए तो भी सेंटर ऑफ मास पैराबोला कवर करेगा, मैंने कहा राइट. उसने कहा ग्रेविटी का रोल कहां प्ले कर रही है, फिर ग्रेविटी भी तो है. मैंने उसे कहा एक्सप्लोजन से पहले ग्रेविटी थी, उसने कहा थी. एक्सप्लोजन के बाद भी ग्रेविटी है, है. देखो ग्रेविटी तो हर वक्त है, तो ग्रेविटी कि फोर्स में वी कैन अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि पहले भी है और अब भी है. देयर इज नो चेंज इन फोर्स, चेंज नहीं कर रहे हम फोर्स को. चेंज इन फोर्स या तो हो ना कि एक्सप्लोजन से पहले 9.8 है, एक्सप्लोजन के बाद मैंने कहा ग्रेविटी खत्म हो जाती है, फिर नहीं लगेगा. लेकिन अब पहले भी 9.8 है, अब भी 9.8 है, तो लगेगा, क्योंकि फर्क ही नहीं है. पहले भी वो एनवायरमेंट है, अब भी वो एनवायरमेंट है, एक्सटर्नल फोर्स तो अप्लाई नहीं हो रही बाहर से एक्स्ट्रा. हाँ, तो उसने कहा फिर जी क्या कर रही है, मैंने कहा पैराबोलिक पाथ कवर करवा रही है जी, नहीं तो फिर प्रोजेक्टर स्ट्रेट ना चला जाता. पैराबोला में जो टुकड़े हैं वो भी पैराबोला में, और जो मेन बॉम्ब है वो भी पैराबोला में ही जा रहे हैं. ठीक, पाथ उसका पैराबोला है. ठीक.
ओके, तो ये मेरे ख्याल से एग्जांपल क्लियर है कि एक टुकड़ा आगे जाएगा बॉम्ब का, एक पीछे जाएगा, या जैसे भी है सेंट्रल मास अगर रेस्ट पे है तो बाद में रेस्ट पे ही रहेगा। अब जैसे इस पूरे प्रोसेस में हम ऐसा कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अर्थ जो है उसके आसपास मून क्यों घूमता है। वैसे तो एक्सप्लेनेशन बहुत ही ऊपर लेवल पे है, इसकी सही एक्सप्लेनेशन ग्रेविटी का चैप्टर ही बताएगा, जो नेक्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन का चैप्टर है। ये आपको ऊपर पूर्व से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देगा। कैसे देखो, सपोज करो इसका मास एम है, मेरा भी एम है, राइट, और हम दोनों ग्रेविटी की फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो कायदे से बनता तो यह है कि हम दोनों की टक्कर हो जाए, सही है। अगर हम ग्रेविटी फ्री स्पेस में चले जाएं और सिर्फ मेरा मास m1 और इसका m2, गारंटीड है कि हमारी टक्कर होगी ही होगी, क्योंकि g m1 m2 by r square से हम एक दूसरे को खींच रहे हैं, राइट। फिर उस हिसाब से तो मून और सन अर्थ की भी टक्कर करवाओ, वो तो बहुत बड़े हैं, वो तो g m1 m2 by r square से बहुत जबरदस्त टक्कर से फिर तो सन के ऊपर गिर जाएंगे सारे, क्योंकि सन तो खींच लेगा सबको, गिर क्यों नहीं रहे। तो ऐसे तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं गिर रहा न्यूक्लियस के ऊपर, खींचता वो भी रही है, बैलेंस हो जाती है। ओके, एक पत्थर है, एक पत्थर को मैंने सपोज धागा धागे से टांगा और ये मेरे हाथ में धागा है, ये पत्थर है, मैं छोड़ रहा हूं इसे, पत्थर कहां गिरेगा, ठीक है। ओके, ये पत्थर है, इसको बहुत तेज स्पीड दी इधर टेंजेंशियल, जब ये इधर गया थोड़ा सा आगे और टेंजेंशियल दी, इधर आया टेंजेंशियल दी, इधर आया, देखो अब ये किस में घूमेगा ही ना सर्कल, राइट। उसी तरीके से अगर वेलोसिटी जीरो है और हम अट्रैक्टिव फोर्स लगा दें फिर तो टक्कर बनती बनती है, होगी ही होगी। पर अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जाए जिसमें ये फर्स्ट पार्टिकल है एम वन, ये सेकेंड पार्टिकल है एम टू और ये सेंटर है, वैसे तो टक्कर होनी ही होनी है, मैंने बताया, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट ये कर ही रहे हैं। लेकिन अगर आपने यहां पर किसी तरीके से टेंजेंशियल वेलोसिटी दे दी, अब देखो वही ग्रेविटी की फोर्स जो एक दूसरे को खींच रही है इज एक्टिंग लाइक सेंट्रीपिटल, अब वो सेंट्रीपिटल की तरह काम कर जाएगी और पार्टिकल हर वक्त किस में घूमता जाएगा, इन अ सर्कल। और प्लैनेट्स के साथ भी ऐसा ही हुआ, बिग बैंग थ्योरी हुई, पता नहीं क्या था, किसी को कुछ पता नहीं है, जो भी था टुकड़े निकले यूनिवर्स से, सन बड़ा निकल गया, अर्थ मार्स ये जितने प्लैनेट है छोटे निकले, ये सब टूट गए, एक्सप्लोजन हुआ, भाग रहे थे यूनिवर्स में दूर कहीं, सन पड़ा था, सन मान लो मैं और वो अर्थ सामने से भाग रही थी, जाएगी कहाँ, मैंने उसे खींच लिया, इमेजिन करो ऐसे जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, अब वो इधर जाने की कोशिश कर रही स्टोन की तरह टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ, पर मैंने उसको इधर खींचा सेंट्रीपिटल, अब वो उधर मुड़ गई उस चक्कर में, इधर सेंट्रीपिटल, अब इस चक्कर में वो आज तक फंसी हुई है और सारे प्लैनेट फंसे हुए हैं, और जो निकल गए सोलर सिस्टम से वो निकल गए, वो किसी और सन के आसपास घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ होगा वो। तो ये ओके, यहां तो समझ में आ गया। अब वापस डायग्राम पे आते हैं और सेंटर ऑफ मास पे आते हैं। सपोज करो इसका मास m, मेरा m, और अब मान लो अगर वेलोसिटी से अगर हम जा रहे थे और सेम थ्योरी ना मून और सन के साथ भी चल रही थी, मून भागना चाहता था सन ने उसको घुमा लिया, तो बेसिकली क्या हुआ, m और m है, ये सेंटर ऑफ मास है, ये और मैं अपने सेंटर ऑफ मास के आसपास घूमते हैं, रूल ये जब हम घूमते हैं तो मैं इसके आसपास नहीं घूमता, ये मेरे आसपास नहीं घूमता, हम दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के आसपास घूमते हैं, डन। तो मान लो एक मिनट के लिए मेरा मास ज्यादा है, इसका मास अब कम है, अब सेंटर ऑफ मास हमारे मिड पॉइंट पे नहीं होगा, मेरी तरफ होगा, मेरा मास ज्यादा है तो शिफ्ट हो जाएगा मेरी तरफ,
अच्छा चलो मेरा मास और ज्यादा है, अब सेंट्रल मास मेरे पास और आ गया, और ज्यादा है और पास आ गया, और ज्यादा है और पास आ गया, इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि मेरे सामने इसका मास कुछ भी नहीं है, तो सेंट्रल मास सारे का सारा ऑलमोस्ट मेरे ऊपर आ गया, मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अगर बराबर होता फिर मिड पॉइंट पे रखते, मेरा ज्यादा मास है, शिफ्ट करते करते मेरे ऊपर आ गया। रूल वही है, हम दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के आसपास घूमेंगे। चलो शुरू करते हैं इससे, इसको कहा गया अपने सेंटर ऑफ मास के आसपास घूम, इसने कहा सेंटर ऑफ मास तो अर्थ के ऊपर ही है, तो ये मून है, मैं अर्थ हूं, सेंटर ऑफ, क्योंकि अर्थ का मास तो बहुत बड़ा है मून से, तो ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ मास अर्थ की तरफ है। अब मून अपने सेंटर ऑफ मास के आसपास घूमता है, सेंटर ऑफ मास कहां पर है, अर्थ पे, अर्थ के आसपास घूम रहा है। अब अर्थ की बारी, अर्थ को कहा घूम सेंटर ऑफ मास के आसपास, अर्थ का सेंटर ऑफ मास अर्थ के ऊपर, तो वो क्या करेगी, स्पिन करेगी, घूम तो सकती नहीं अब, ऐसे भी दूर तो उसके ऊपर ही है, तो वो स्पिन करेगी। तो यही है ना रूल, अर्थ स्पिन करती है और मून उसके आसपास घूमता है। तो ये एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेंटर ऑफ मास बताई गई। पॉइंट समझ में आया यहां तक कि सेंटर ऑफ मास से क्या थ्योरी चलती है इसकी? तो कोई भी चीज अगर दूसरे के आसपास घूमती है वो अपने एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास के आसपास ही घूमते हैं। कोई डाउट है इसमें? ठीक ठीक ओके। नेक्स्ट है,
तो इसमें पैराबोला वाला एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि सेंटर ऑफ मास विल फॉलो द सेम ट्रेजेक्ट्री, अगर एक्सप्लोजन हो भी जाता है तो भी सेंटर ऑफ मास पैराबोला ही कवर करेगा, ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी एक सॉलिड बॉडी जो कि जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जिसके अंदर पार्टिकल्स में फाइनाइट डिस्टेंस है R1, R2, R3 अप टू Rn, और अगर ये बॉडी मूव भी करती है तो ये डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होते। सॉलिड बॉडी में चेंज ये तो ना, टायर घुमाया और पार्टिकल्स के डिस्टेंस चेंज हो गए तो डिस्टेंस विल रिमेन सेम, राइट? क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ये रिजिड बॉडी है। इसके बाद की जो कहानी है वो सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर पूरी बॉडी का मास पड़ा हुआ है, उसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, कोई खास नहीं है। इसके बाद फिर रोटेशनल मोशन स्टार्ट हो जाता है, इसको अभी रोकना पड़ेगा। हम सेंटर ऑफ मास पे वापस आने वाले हैं अपने और एग्जांपल्स पे, अभी खत्म नहीं किया। तो सेंटर ऑफ मास के कुछ एग्जांपल हमने लास्ट टाइम किए, कुछ आज भी किए, कुछ अभी करेंगे और कुछ नेक्स्ट टाइम करेंगे। सेंटर ऑफ मास की जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक जैसे स्फेयर का निकाल दिया, डिस्क का निकाल दिया, ब्लॉक्स का निकाल दिया, शीट का निकाल दिया, किसी चीज़ का, हम लास्ट टाइम से करते ही आ रहे हैं। ये एक टाइप की प्रॉब्लम है। दूसरे टाइप की प्रॉब्लम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसके साथ इन्वॉल्व है। तो आज का लेक्चर मैं नहीं दे रहा उसके ऊपर, आज सिंपल प्रॉब्लम्स हैं जैसे हम नॉर्मल करते आए हैं, और अगला लेक्चर रखा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड सेंटर ऑफ मास। थ्योरी में तो पढ़ लिया हमने कि हाँ रेस्ट पे होता है, मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करता है। न्यूमेरिकल नहीं अभी आप कर पाओगे, न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको लिस्ट बनाऊंगा पूरी किस तरीके से न्यूमेरिकल चलते हैं इसके। थोड़ा सा ट्रिकी है, सेंटर ऑफ मास का सबसे ट्रिकी पोर्शन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ ही है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इतना भी नहीं है, पर ये है कि बुक्स करते हुए लोगों को इसलिए प्रॉब्लम आती है जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ना बुक्स में मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हैं। कभी कभी बंदा कहता है अच्छा पॉइंट मास आ गया, हो गया, फिर वो कॉन्टिनेंस मास आ गया, नहीं हुआ, फिर वो एक्स डी एम वाला फंडा रुक गया, फिर अगला क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ आया, फिर तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, फिर पॉइंट मास हो, फिर हो गया। तो मतलब ऐसा फ्लक्चुएट होगा आप जब आप करेंगे सॉल्व। तो मैं जो शीट बना के ला रहा हूँ वो मैं लास्ट ईयर ऐसे ही पढ़ाया था, टू बी वेरी फ्रैंक, लास्ट ईयर जो मैंने कोर्स लिया वो बिल्कुल वैसा ही था जिसमें मिसलेनियस ही चल रहे थे वो शीट्स की फॉर्म में। पर अभी क्या है कि मैंने उसको अलग अलग कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो जब हम कंजर्वेशन मोमेंटम नेक्स्ट टाइम करने वाले हैं तो पूरी लिस्ट कंजर्वेशन मोमेंटम की चलेगी, ताकि जब आप अप्लाई करेंगे आपको दो या चार न्यूमेरिकल के बाद ना चीज़ें दिखेंगी रिपीटिवली स्टार्ट हो जाती हैं, एक जैसा फंडा लगता है। जैसे यहाँ डिस्क कटिंग की हमने, तो आपने देखा कि चाहे कोई वर्जी क्वेश्चन आ जाए आप कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है कि उसको कैसे लगाना है, ठीक। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी शीट से।
देखो प्लीज जो आपकी एग्जांपल सेंटर ऑफ मास की एग्जांपल नंबर वन शीट है, सेंटर ऑफ मास की एग्जांपल नंबर वन शीट है, उसमें ये क्वेश्चन है, प्लीज चेक करो एग्जांपल नंबर एट जो मैंने बनाया हुआ है, चेक करो एग्जांपल एट, देख लिया ये मैंने आज आते ही क्लास में करवाया, इसमें प्लीज करेक्शन करो एक, मैंने आपके इसमें क्या लिखा हुआ है, स्फेयर, आपके असाइनमेंट में स्फेयर है, यहां पर करो डिस्क, डिस्क क्योंकि इसके अंदर ना जो मैंने सॉल्व किया वो एरिया लेके किया है, एरिया लेके, तो एरिया का मतलब ये फिगर डिस्क है, अगर मैं वॉल्यूम लेके करता तो यहां क्या लिखवाता, तो मैंने गलती से स्फेयर लिख दिया लेकिन सॉल्व उसको डिस्क मान के कर दिया, तो प्लीज ऊपर ही स्फेयर की जगह डिस्क कर लो, एक ही बात है, मैंने करेक्शन कर लिया है, करके लाया हूं मैं, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो ये ना सोचना कि आपके असाइनमेंट गलत प्रिंट हो गया, मैंने अभी ठीक किया है, ठीक। नेक्स्ट है ओके, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है सेंटर ऑफ मास की शीट नंबर टू, टू मींस एग्जांपल्स की शीट है, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो प्लीज इसका प्रिंट आउट ले लें, और इसका फाइल का जो नाम है A22 शीट है, और टॉपिक का नाम है सेंटर ऑफ मास शीट एग्जांपल नंबर टू, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन है एक रॉड है, एक रॉड है, रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालना है, पहला केस, अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता, अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो लैम्डा लेना पड़ेगा, मैंने आपको होमवर्क दिया था करने के लिए, किया है अगर किया है तो रास्ते में ऐसा क्वेश्चन आया होगा जिसमें लैम्डा इसकी एक्स वाला क्वेश्चन था, ठीक था, उस क्वेश्चन की खास बात यह थी कि उसमें लैम्डा की वैल्यू आपको दी हुई थी के टाइम्स एक्स, राइट। तो मैंने आपको मेथड सिखाया, अगर आपको m1 m2 नहीं मिलते और डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है मास का तो आप ना ये फॉर्मूला यूज कर लेना, x सेंटर ऑफ मास इज dm into x इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय dm की इंटीग्रेशन, कोई डाउट इसमें, सेम क्वेश्चन है कोई फर्क नहीं, यही मेथड सिखाया था कि जिसमें मास डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसके अंदर आप m1 x1 तो ढूंढ नहीं पाओगे, तो dm into x की इंटीग्रेशन कर देना, राइट। तो फिर मैंने उसका तरीका क्या सिखाया कि आप dm निकालने के लिए एक स्मॉल एलिमेंट लें, dm की स्मॉल लेंथ कितनी है, dx है, और कितनी दूरी पे है, x पे। तो उस क्वेश्चन में आपको लैम्डा x की फॉर्म में गिवन था kx2, तो मैंने कहा था कि आप ना मास निकाल देना यहां पर, और स्मॉल मास कैसे निकलता है, मास पर यूनिट लेंथ को स्मॉल लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल मास आता था, बस कुछ नहीं करना था, लैम्डा का फॉर्मूला kx था पिछले क्वेश्चन में, इस dm को यहां और यहां पुट करो, इंटीग्रेट करो, आंसर आता था, बात खत्म थी, इजी था। इस क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट कर दिया, ट्विस्ट यह है कि लैम्डा 1 इस एलिमेंट के, इस रॉड के कॉर्नर पे जो एलिमेंट है उसकी डेंसिटी तो लैम्डा 1 है एंड इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली इंक्रीज होता जा रहा है लैम्डा, और एंड पे जाके लैम्डा कितना आया, लैम्डा 2 बढ़ गया, लैम्डा 1 से लैम्डा 2 हो गया। क्वेश्चन में यह नहीं बताया बीच में लैम्डा क्या हुआ एक्स डिस्टेंस पे, और क्वेश्चन में एक्सपेक्ट किया जा रहा है आप खुद निकालेंगे लैम्डा, तो पहले आप लैम्डा निकालें फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। उससे पिछले क्वेश्चन में क्या था, लास्ट टाइम वाले में लैम्डा उसने दिया था, बस पुट करना था, इस क्वेश्चन में लैम्डा भी बनाना पड़ेगा, राइट। तो अब लैम्डा 1 ये मुझे पता है कि लैम्डा की वैल्यू लैम्डा 1 से यहां पर ज्यादा ही आएगी, बढ़ रही है ना, अब वो क्या आएगी एक्स डिस्टेंस पे, यहां पे क्या होगी, क्या होगी मालूम नहीं है, तो कैसे निकालनी है पहले वो सीखें, क्योंकि एक बार लैम्डा आ गया तो डीएम आ गया, डीएम आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक कि अप्रोच क्या रहेगी। लैम्डा निकालने का तरीका देखो, लैम्डा निकालने का तरीका, टोटल लेंथ एल है, मुझे एक्स डिस्टेंस पे लैम्डा निकालना है कि लैम्डा की वैल्यू एक्स पे कैसे डिपेंडेंट है, के एक्स है या के एक्स स्क्वायर, कुछ तो होती होगी क्योंकि इट इज चेंजिंग विद सम डिस्टेंस। तो रूल ये है कि अगर यहां पर लैम्डा 1 और ये लैम्डा 2 तो चेंज कितना है, इंक्रीज कितना है, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, तो जो भी जितना ज्यादा दूर जाएंगे ये चेंज उतना ही बड़ा होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, चेंज इन लैम्डा
किसके प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एल है तो चेंज इन लैम्डा उतना ही बड़ा होगा। पहला स्टेप क्लियर, राइट? अच्छा, मुझे अब यहां और यहां का अब रिलेशन निकालना है। मान लो एक्स डिस्टेंस पे लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा जो मुझे निकालनी है, यहां पर तो लैम्डा वन है, तो इंक्रीज कितना हुआ यहां से यहां, लैम्डा माइनस लैम्डा वन, लैम्डा वन से तो ज्यादा ही होगा ना, लैम्डा इस तरफ जाएंगे तो लैम्डा बढ़ रहा है। तो जब यहां से यहां जाते थे तो लेंथ कितनी हो जाती थी एल, चेंज कितना होता था लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन। जब यहां से यहां आते हैं कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ एक्स तो चेंज कितना है लैम्डा माइनस लैम्डा वन एंड इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। क्लियर यहां तक? और अगर मैंने डिवाइड कर लूं, कांस्टेंट कांस्टेंट सेम आएगा, मटेरियल सेम है, डिवाइड करूंगा तो ये टर्म आएगी, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ये टर्म आएगी, इसको ओपन कर लूंगा एक्स इंटू दिस एल इंटू दिस एल इंटू दिस, तो ये टर्म आएगी। और इसमें मुझे क्योंकि लैम्डा निकालना है, मुझे लैम्डा निकालना है, तो एक काम करते हैं एल लैम्डा वाली टर्म को एक तरफ, इस टर्म को इस तरफ, तो ये टर्म आएगी। तो लैम्डा निकालने के लिए एल से डिवाइड करूंगा तो ये टर्म आएगी। तो लैम्डा का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ लैम्डा वन लैम्डा टू एल एंड एक्स, ये पहले बनाना पड़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछला क्वेश्चन ही पसंद आ रहा होगा, वो ठीक था, वो पिछली बार वो अजीब लग रहा था पर आज वो ठीक लग रहा है कि वही ठीक है जिन क्वेश्चन में लैम्डा हमें दिया जाता है। ठीक है, ठीक, लैम्डा दिया, पर कोई बात नहीं, जिनको नहीं समझ में आया उनको समझाने का एक और आसान तरीका है मेरे पास, और ठीक, ये भी कईयों को पसंद आ जाता है सेकेंड मेथड, अगर फर्स्ट नहीं पसंद में आता। वो क्या, अगर लैम्डा की वैल्यू मैं ये बोलूंगा कि ये मास पर यूनिट लेंथ ना होती, ओके, देखो अगर मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ये सपोज करो लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ ना होता, लैम्डा पैसे होते, और सपोज करो ये रॉड होती और आपको कहा जाता कि आपके इतने पैसे तो पक्का ही, अगर यहाँ खड़े हो और दूर जाएंगे तो उतने पैसे बन जाएंगे, लैम्डा वन में ऐड कर देना जितने पैसे चेंज हो जाएंगे आपके, ठीक है, आप यहाँ आए तो लैम्डा वन प्लस समथिंग जो भी आपने इंक्रीज किया लैम्डा वो आपका ऐड हो जाएगा, और यहाँ आते आते बहुत ऐड हो जाएगा। तो सेम रूल है, अगर लेंथ एल कवर कर जाते हो तो आपके पैसे कितने इंक्रीज हो जाते हैं लैम्डा टू माइनस, पैसे ना सही, अब लैम्डा की बात कर लो, मास पर लेंथ कितना इंक्रीज हो जाता है लैम्डा टू माइनस, लैम्डा वन तो है ही है प्लस इंक्रीज निकाल लेते हैं। तो अगर वन है तो यूनिटरी मेथड, और अगर आप एक्स डिस्टेंस पे आए थे तो इंक्रीज कितना था, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करें, ये इंक्रीज आ गया, लैम्डा वन तो पक्के ही थे आपके, आपने इंक्रीज इन लैम्डा कितना किया एक्स डिस्टेंस पे इतना किया, तो नया लैम्डा आ गया। मेथड वन ठीक है कि टू ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों ठीक नहीं, ओके okay. चलो जैसे भी है, आपको लैम्डा बना लोगे लैम्डा, बस मोटिव ये है जैसे मर्जी बनाओ लैम्डा की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए बस, ये कैसे निकली पॉइंट समझ में आया यहां तक, तो एक्स के साथ लैम्डा कैसे चेंज हो रहा निकल गया जिस मर्जी मेथड से। बाकी क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, बाकी इस क्वेश्चन के अंदर आप चेक कर सकते हो, इसमें इस स्टेप को चेक करो प्लीज। लैम्डा एक बार आपके पास आ गया, एक्स सेंटर ऑफ मास का वही पुराना फॉर्मूला, डीएम निकालने का वही पुराना फॉर्मूला, लैम्डा इंटू डी एक्स होता है, ऊपर भी पुट करेंगे और नीचे भी पुट करेंगे, कोई डाउट इसमें? लैम्डा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो बड़ी सी वैल्यू लैम्डा की यहां और यहां पुट की, ये बन गया, अब जैसे ही वैसे ही पुट करनी पड़ेगी। ठीक, तो इस टर्म को मैंने नेक्स्ट पेज पे एक बार फिर से कॉपी किया है ताकि समझ में आ जाए। ये देखो ये रही, अब क्या करेंगे इसे इंटीग्रेट करेंगे, ये देखो ये बीच में प्लस आ रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स डी एक्स रादर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आएगा लैम्डा वन एक्स डी एक्स। तो प्लीज करेक्शन कर लो अपने असाइनमेंट में, यहाँ एक्स भी है, कईयों में हुई हुई है कईयों में नहीं हुई, अभी जो नई असाइनमेंट निकली है उनमें करके दी है, जो अभी दो चार पुरानी थी उसमें नहीं है, एक्स लगा लेना प्लीज, राइट? तो x dx को इससे मल्टीप्लाई किया, x dx को इससे भी मल्टीप्लाई किया, तो x स्क्वायर बन गया,
तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म. ऐसे डिनोमिनेटर में इस dx को इससे और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म 0 से l तक, 0 से l तक, राइट और यहां से कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएंगे, लैम्डा वन बाहर आ गया तो एक्स डी एक्स बच गया, ये दोनों कॉन्स्टेंट बाहर आ गए तो एक्स वाली टर्म बच गई, ऐसी यहां पर लैम्डा वन बाहर आ गया वन डी एक्स बच गया और यहां से कॉन्स्टेंट बाहर आ गया तो एक्स डी एक्स बच गया एक्स डी एक्स, राइट. तो बस यहां से इंटीग्रेशन के रूल लगाने हैं और इंटीग्रेशन के रूल में आपको क्या करना है, इसमें एक्स स्क्वायर बाय टू, एक्स क्यूब बाय थ्री, एक्स और एक्स स्क्वायर बाय टू लिमिट्स पुट करेंगे, अपर एंड लोअर सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आएगा. क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी नॉर्मल एग्जामिनेशन में तो थोड़ी इतनी कैलकुलेशन नहीं आएंगी, ऑब्वियसली इतना बड़ा कैसे क्वेश्चन आएगा, बट लैम्डा बनाना आ सकता है. ये क्वेश्चन तो चलो जो आएगा नहीं आएगा मुझे पता नहीं, हाँ पर वो क्वेश्चन तो आया हुआ था लैम्डा इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर वाला, वो तो मेंस का क्वेश्चन है आपके इसका, लैम्डा इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर फाइंड सेंटर ऑफ मास का लोकेशन जो मैंने लास्ट टाइम करवाया था, वो इतना तो बनता ही है छोटी इंटीग्रेशन, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है. मेडिकल में तो भूल ही जाओ, ये नहीं आता, मेडिकल वाला तो नहीं आएगा, नॉन मेडिकल में इंटीग्रेशन सीख लेंगे तो मैं कह नहीं सकता. पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आया नहीं है, बात अलग है. पॉइंट समझ में आया कि लैम्डा अगर बनाना आ जाए, दिया हो फिर तो बहुत ही अच्छा है, 99% क्वेश्चन क्या 99.99% क्वेश्चन में लैम्डा दिया होता है, ये इकलौता एक क्वेश्चन है जिसमें लैम्डा नहीं गिवन, बस एक तो करवाना ही था ना अगर बनाना सिखाना था. ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ओके. नेक्स्ट जो पॉइंट है ये देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन अगेन, सेंटर ऑफ मास ढूंढना था, किसी ने ना एक फेस बना के दे दिया, ये रहा ये गोल फेस है, दो आंखें हैं, नाक है और ये रहा, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि इसमें कुल मिला के ये सर्कल है, सर्कल का मास कह रहे हैं 6 m है, छोटे छोटे सर्कल है मास m है, ये नाक थोड़ा बड़ा बन गया मुझसे पर जितना भी है मास इसका m ही है और ऐसी ये भी m है, सबके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, पूरे बड़े सर्कल का कोऑर्डिनेट 0.0 है, जो इसका कोऑर्डिनेट है -a.a है, इसका कोऑर्डिनेट a.a है, इस नाक का कोऑर्डिनेट 1.0 है सेंटर ऑफ मास का, इस नाक का सेंटर ऑफ मास का और ऐसी इसका सेंटर ऑफ मास का और ऐसी इसका 0.-a है, तो कुल मिला के इसमें कितने मासेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5 सबका मास गिवन है, सबका m है एक्सेप्ट 1, 6 m क्वेश्चन में गिवन है, सबके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, इसका कोऑर्डिनेट गिवन है, इसका गिवन है, इसका गिवन है, इसका गिवन है और इस सर्कल का तो है ही 0.0, कह रहे सेंटर ऑफ मास निकालो, तो लगा दो फॉर्मूला इतना बड़ा 5 particles के लिए, एक्स सेंटर ऑफ मास एंड वाई सेंटर ऑफ मास कैन बी कैलकुलेटेड. मेथड समझ में आया कि कैसे आपने इसको ट्रैक करना है और किस तरीके से इसको करना है, कोई डाउट इसमें, इजी है, एडवांस में क्वेश्चन आया था ये मेन में भी नहीं, ठीक, पर उनका क्वेश्चन पूछने का तरीका जो होता है ना बस वो थोड़ा प्रॉब्लम है, वो क्या है पूरा पैसेज था कि सपोज अ फेस इज गिवन और इसमें 6 m है और थोड़ा सा आराम आराम से पढ़ने वाला था, मैंने आपको बस उसके छांट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, मेरी शीट के अंदर मिलेगा आपको स्टेटमेंट मिलेगी, इसमें स्टेटमेंट पढ़ के रिलेट कर लेना, ठीक है, वो भी तो पढ़ना है ना, स्टेटमेंट भी तो पढ़नी आनी चाहिए, ऐसे थोड़ा ना होगा, अब जब सेकेंड टाइम जब करोगे न्यूमेरिकल्स मैं नेक्स्ट टाइम दे दूंगा आपको शीट्स, तो उसकी स्टेटमेंट समझना उसमें क्या है, ठीक, कुछ क्वेश्चन छोड़वाता जा रहा हूँ मैं ऑब्जेक्टिव शीट में से ताकि आपके पास कुछ होमवर्क मिलता जाए याद आता आपको, ठीक है, नए क्वेश्चन ट्राई करने आपने, ठीक. नेक्स्ट ये देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सपोज 3 blocks हैं, 1, 2, 3, एक के ऊपर एक के ऊपर एक थे, इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया एल बाय फोर, इसको और इससे एल बाय फोर, ये वॉल है, इस दीवार से इन तीनों का सेंटर ऑफ मास कहां होगा ये बताओ, एक्स एक्सिस में, हाइट मत बताओ, मुझे पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास C1, इसका सेंटर ऑफ मास C2, इसका सेंटर ऑफ मास C3, इन तीनों का सेंटर ऑफ मास, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, तो मुझे वाई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक्स चाहिए, बस एक्स कोऑर्डिनेट सॉल्व करो और देखो जरा कि कैसे इसको आप कर सकते हो, क्या आपको समझ में आया ये क्वेश्चन, खुद दिमाग लगाओ अपने कॉपी में बनाओ डायग्राम और देखो 3 particle का सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में कैसे निकाला,
ओके देखो देखो इसके अंदर सबसे पहले एक पॉइंट को समझते हैं. ये वॉल है, ये पहला ब्लॉक है, राइट. ये पहला ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास C1 है, C1 है. और ये वॉल से, वॉल ओरिजिन मान लेते हैं, वॉल से कितनी दूरी पे है, L/2 पे है. ठीक हो गया. अगर मैं एक और ब्लॉक को राइट की तरफ ले जाता हूं और कितना बाहर निकालता हूं, बाय डिस्टेंस ऑफ L/4, तो इसका सेंटर ऑफ मास, देखो अगर मैं एक उल्टा करता हूं, इसको इसके ऊपर ले जाओ वापस, तो दोनों के सेंटर ऑफ मास से एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे. तो मैं कह रहा हूं इसको आगे ले गया तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर ऑफ मास से कितना आगे शिफ्ट हो गया, L/4. देखो ना, जब ये इकट्ठे थे, जब ये इकट्ठे थे तो ऐसे दिखते थे, ये C1 है और ये C2 है. तो मैंने C2 को आगे शिफ्ट किया L/4, तो ऑब्वियसली इनके बीच में दूरी कितनी है, L/स्लैब जितना आगे जाएगी नीचे से, तो सेंटर ऑफ मास का डिफरेंस कितना आ जाएगा, L/4 जितनी दूर गई. तो दीवार से कितना डिस्टेंस है इसके सेंटर का, इससे और इसके सेंटर का तो L/4 है, और इसका सेंटर से दीवार से कितना है, L/2. तो कुल मिला के कितना हुआ, L/2 + L/4. हमने सारे डिस्टेंसेस कहां से लेने हैं, फ्रॉम वॉल, वॉल लेने हैं. तो पहले सेंटर ऑफ मास L/2 पे है, दूसरे वाला L/2 से आगे चला गया, कितना आगे चला गया, भाई L/4. अब तीसरा वाला जो है वो और भी आगे चला गया बाय डिस्टेंस ऑफ L/4, किस से, वो इसके C2 से, C2 से, क्योंकि वो L/4 किससे बाहर निकला, C2 से. तो इसके सेंटर ऑफ मास से L/4, ठीक. तो इस केस में इसका और इसका सेंटर ऑफ मास कितना, C/4. इसका इसका कितना, सॉरी, इसका इसका कितना, L/4. इसका इसका कितना, L/4. इसका वॉल से कितना, L/2. तो मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर वॉल से डिस्टेंस लिया जाए तो पहले वाले ब्लॉक का तो L/2 है, डन. इसके लिए तो L/2 डन, क्लियर. जो सेकेंड वाला है M, उसका ये वाला डिस्टेंस कितना है, L/4. L/4 में L/2 ऐड करेंगे तो L/2 + L/4. क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक. तो आपके पास क्या आएगा, ये आएगा. जो तीसरे वाला M है वो L/4 इसके सेंटर ऑफ मास से, इसके सेंटर ऑफ मास से ये L/4 और दीवार से कितना, L/2. तो M1x1, M2x2, M3x3 अपॉन M1 + M2 + M3 सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा. तो कुल मिला के आपने कुछ नहीं करना, तीन ब्लॉक्स लेने हैं, हर ब्लॉक का डिस्टेंस वॉल से लेना है, चाहे L/2 है, चाहे दूसरे का L/2 + L/4 है, तीसरे का L/2 + L/4 + L/4 है. पॉइंट समझ में आया कि कैसे करना है इसे, कोई डाउट इसमें, हो जाएगा सॉल्व ये ब्लॉक वाला क्वेश्चन. और लास्ट क्वेश्चन फिर से ब्लॉक्स वाला ही करते हैं, नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पहले ये भी कर लेते हैं. शीट है, दो स्क्वायर्स में डिवाइडेड है, लेंथ इसकी 2L है. जिन शीट्स में, दो चार शीट्स होंगी जिसमें L लिखा हुआ है, करेक्शन कर लेना प्लीज, ये 2L है, कईयों में 2L ही है, कईयों में L है, तो मैंने अभी करेक्शन की है, यहां 2L करो प्लीज. इनके सेंटर है C1 C2 और डेंसिटी रो 1 रो 2. अब सुनने में लगता है डेंसिटी का मतलब रो का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम ने किया था, लेकिन उसने लिख दिया दीज आर सरफेस मास डेंसिटी, इसका मतलब मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सरफेस एरिया, राइट. कंफ्यूज करने के लिए रो, मतलब इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है, मतलब इसका मास पर यूनिट एरिया है. तो आपको यह भी कहा गया कि मुझे सेंटर ऑफ मास ढूंढ के बताओ, लास्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन किया था स्क्वायर और सर्कल वाला, लेकिन मुझे सेंटर ऑफ मास बताओ कहां से, यहां से नहीं, ओ से सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे है. तो रेफरेंस पॉइंट अब C1 नहीं है, रेफरेंस पॉइंट ओ है, कोई डाउट इसमें. तो एक काम करते हैं, ये ओ पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं. तो अगर ये 2L है तो आधा कितने है, L है, ये आधे से आधा कितने है, L/2. कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, L/2, 0. अगर ये L है, ये L/2 है, L + L/2 कितना बना, 3 L/2. कोऑर्डिनेट समझ में आ गया यहां पर. अच्छा, इस शीट का मास इसके सेंटर पे होगा, इस शीट का मास इसके सेंटर पे होगा, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालना है. तो इसका M1 मास क्या होगा, मास
रोक इस क्वेश्चन में क्या है, मास पर यूनिट एरिया को फर्स्ट शीट के एरिया से मल्टीप्लाई, मास आ गया, सेकेंड में मास पर यूनिट एरिया को उसके एरिया से मल्टीप्लाई तो मास आ गया। एम वन एम टू क्लियर है, हर गुण क्लियर है यहाँ तक, एम वन एम टू क्लियर, तो पुट कर दें एम वन ये एक्स वन, एम टू एक्स टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, तो कॉमन निकाल के सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा फाइनल आंसर होगा। क्या है पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये घर जाके सॉल्व करना है, घर जाके पूरी शीट सॉल्व करनी है खुद से, तो अपने आप कैलकुलेशन समझ में आएंगे, किसकी कैलकुलेशन नहीं देखनी आपने। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? मेन पॉइंट समझ में आया कि क्या कैच है इसमें? बस खुद सॉल्व करना है और आंसर खुद मैच करना है, राइट। नेक्स्ट टाइम मैं चेक करूंगा, आज भी दिया था होमवर्क, कितने लोगों ने कर लिया वैसे? काफी ने किया, बाकियों ने प्लीज नेक्स्ट टाइम दोनों शीट्स का एक बार चेक करके लाना है, राइट। ठीक, तभी देखो तभी गेन करोगे, नहीं तो गेन नहीं करोगे, उसमें फिर पूरी अंडरस्टैंडिंग रहती है। ओके अच्छा, ये भी क्वेश्चन हुआ दूसरे बैच में, राइट, ये सेकेंड लास्ट है, ठीक, हाँ ये सेकेंड लास्ट है, राइट। देखो तो क्या हो गया था मुझे, मैं भूल गया था, मैं ये भी रह गया। देखो ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन, ये बाकी सेकेंड लास्ट है। ये क्वेश्चन के अंदर आपको एक टी शेप की फॉर्म में एक डिस्क गिवन है, ठीक है, डिस्क भी नहीं कहूंगा, डिस्क तो होती है, मतलब सरफेस एरिया वाइज मास डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसे बोलूंगा, तो सरफेस वाइज मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये फिगर गिवन है। उसने कहा ओ पॉइंट से मुझे सेंटर ऑफ मास बताओ कहां मिलेगा। इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक ये वाला मास है हॉरिजॉन्टल और एक यहां से नीचे वाला वर्टिकल। वर्टिकल यहां से शुरू करना है मेरे हाथ के नीचे से और हॉरिजॉन्टल ये रहा, राइट। इस हॉरिजॉन्टल का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, वर्टिकल का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, मुझे निकालना है इन दोनों का सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। तो अगर ये हाइट 2 मीटर है और अगर ये ओरिजिन है तो ये आधा कितने पे होगा? 1 पे। तो क्या कोऑर्डिनेट हुआ? 0.1। कोई कहेगा सर 0.-1 होना चाहिए, -1 लगा लो, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, नीचे का मैंने पॉजिटिव मान लिया, आप नेगेटिव मान लो, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव का मतलब नीचे की तरफ, उससे कोई फर्क नहीं। पहला कोऑर्डिनेट समझ में आया। अच्छा फिर इसका कोऑर्डिनेट 6 मीटर के सेंटर पे, 6 का सेंटर क्या होता है? 3। तो ये हाइट कितनी है यहां से यहां तक? 3। लेकिन हमने ओ से लेना है तो ये हाइट कितनी है? 2। तो 2 मीटर और 3 मीटर कुल मिला के 5। तो ये दो कोऑर्डिनेट समझ में आए, एक 0.5 और एक 0.1, राइट। तो इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, एक्स तो लेना ही नहीं ना क्योंकि वाई एक्सिस चल रहा है, और इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। अच्छा इस क्वेश्चन में मास भी नहीं गिवन पर हमें एरिया पता है, इस हॉरिजॉन्टल का एरिया निकालना हो तो 2 × 8 = 16, और इसका वर्टिकल का निकालना हो तो ये कितना है? 2 × 6 = 12। तो मास नहीं गिवन पर ये गिवन है कि एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में सिग्मा का मतलब है मास पर यूनिट एरिया, मान लो एक मिनट के लिए, नहीं भी गिवन मान लो सिग्मा कांस्टेंट है पूरी बॉडी के लिए। क्यों? क्योंकि वर्टिकल पोर्शन का एरिया कितना है? 6 × 2 = 12, तो इसका मास कितना आएगा? σ × 12। हॉरिजॉन्टल पोर्शन का एरिया कितना है? 8 × 2 = 16, तो मास कितना आएगा? σ × 16। एम वन आ गया, एम टू आ गया सिग्मा की फॉर्म में, और वाई एक्सिस में सेंटर ऑफ मास कैसे निकलता है? एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। एम वन वाई वन की जगह 1, एम टू ये रहा एम टू, ये रहा 12 × σ, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? 5। एम वन देखो ना, ये वाई वन है और ये वाई टू है, ये एम वन है और ये एम टू है, तो एम वन पता है, वाई वन पता है, एम टू पता है, वाई टू पता है, तो फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो, सिग्मा से सिग्मा क्या हो जाएगा? कैंसल। आंसर आया हुआ क्वेश्चन है ये भी सेंटर ऑफ मास का, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं समझ में आ रहे हैं। वो पहला टाइप का क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, ज्यादा मुश्किल था, बट इस टाइप का क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप जाके सॉल्व करेंगे, क्योंकि हाथ से लिखेंगे तो हर डायमेंशन दिमाग से होकर निकलेगी, ये कोऑर्डिनेट आया तो क्यों आया, ऐसे तो आप लिखने वाले हो नहीं, कोई भी लिखेगा, तो घर जाके जब इसको कॉपी करेंगे और दिमाग लगाएंगे तो अपने आप चीजें क्लियर होती जाएंगी, पर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसे हुआ ये, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन कि अगर आपके पास ये ब्लॉक्स हैं, 25 सेंटीमीटर का एक ब्लॉक है, और ऐसे आपने ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक के ऊपर टिकाते जाना है सच दैट 8-8 सेंटीमीटर बाहर की तरफ है, तो आपको ये बताना है
कि ऐसे कितने ब्लॉक्स आप टिका सकते हैं। क्वेश्चन में आया कि 8-8 सेंटीमीटर तक आप आगे इसे आप करते जाएं, आपको बताना है कि ये ऐसे कितने आप सेट कर सकते हैं, राइट। तो देखो रूल एक ही है, याद रखना कि अगर आपके पास ये एक ब्लॉक है, ध्यान से समझना प्लीज, ये ब्लॉक है, एक और ब्लॉक है, दो ब्लॉक्स हैं 25-25 सेंटीमीटर के हैं ये रहे, ठीक। मैं इसे बाहर निकालने वाला हूं, मेरे को किसी ने पूछा सर मैं कितना बाहर निकालूं, तो मैंने कहा देख ऐसा है कि लेंथ कितनी है, मैंने कहा 25 सेंटीमीटर है, मैंने कहा ठीक। मैंने उसे क्वेश्चन पूछा, एक बात बता, अगर तू इसको शिफ्ट करता है आगे की तरफ तो क्या इन दोनों का सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होता है कि सिर्फ इसी का होता है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ये ब्लॉक्स इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, नीचे वाले का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, मैंने इसे राइट शिफ्ट किया कर दिया, क्या दोनों का सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास जो एक आएगा सिस्टम का, क्या वो राइट शिफ्ट हो रहा है? हो रहा है, क्यों? क्योंकि m1x1 + m2x2 / m1 + m2, चाहे इसका कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, इसका चेंज हो रहा है, ओवरऑल फॉर्मूले के अंदर तो कुछ चेंज आ ही रहा है ना। तो मतलब ये तो वही बात होगी कि मैं मूव नहीं करता, लो जी ये मूव कर जाता है, तो क्या हम दोनों का सेंटर ऑफ मास चेंज होगा? होगा, मैं मूव नहीं भी कर रहा, वो मूव कर रहा है, तो भी हमारे बीच में सेंटर ऑफ मास की वैल्यू का कोऑर्डिनेट चेंज होगा, क्योंकि एक भी पार्टिकल ने अगर अपना कोऑर्डिनेट चेंज किया तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चेंज होगा ही होगा, राइट। तो मैंने उसे समझाया, मैंने कहा देख यार बात ऐसी है कि 25 के ऊपर जब 25 ऐसे टिका होगा ना तो सबसे सेफ पोजीशन पे है, तो गिर नहीं सकता, ऊपर वाला गिरेगा नहीं। उसने कहा हाँ सही है, उसने कहा देखो सर मैं थोड़ा सा आगे कर दूं, मैं कर ले कोई बात नहीं, नहीं गिरेगा, थोड़ा और आगे कर लूं नहीं गिरेगा, थोड़ा और आगे करूं नहीं गिरेगा। तो उसने कहा लॉजिक है मैं कब गिरूंगा, मैंने उसे समझाया कि जब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास एक दूसरे के ऊपर था तो सबसे सेफ था, जब इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर पड़ा हुआ है मेरे हाथ जहां फिंगर है, और जब तू सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इसके मूव करने से पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास चेंज हो रहा है, क्या इसका चेंज नहीं हो रहा? इसका अपना तो चेंज हो रहा है और सिस्टम का भी चेंज हो रहा है। तो जब इसका सेंटर ऑफ मास अकेले का राइट जा रहा है, ध्यान रखना 12.5 सेंटीमीटर जब तुमने क्रॉस कर लिया मिड पॉइंट, तो तेरा ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। आधी रॉड बस 50% रॉड अलाउड है, उसके बाद तो ये नीचे गिरनी है, राइट। उसने कहा सर फिर बात ऐसी है कि मेरी रॉड अगर ऊपर से मोटी हो थोड़ी सी, मैंने कहा मोटी हो तो क्या हो गया, जितनी मर्जी मोटी ले ले। उसने ये नहीं बताया ये दो ब्लॉक्स हैं, उसने कहा ये है बस, मैंने देखा ही नहीं, मैंने कहा बस ठीक है होता होगा कुछ भी, मैंने कहा रूल वही रहेगा। उसने कहा क्या, चाहे तूने मास बढ़ाया या जो भी किया, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो डिस्प्लेस हो रहा है वो 12.5 मिड पॉइंट से आगे क्रॉस ना करे, बस ये सिस्टम नहीं गिरेगा। उसने कहा अगर ये और मोटी हो तो, इतनी मोटी हो मतलब वो और ब्लॉक्स रखने की बात कर रहा है, मैंने कहा कोई चक्कर नहीं, बस याद रखियो इस पूरे सिस्टम को जब तू मूव करवाएगा तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से, नीचे वाले पॉइंट से 12.5 एक्सीड ना करें, राइट। यहां तक क्लियर है? देखो ये पहला ब्लॉक है, पहले ब्लॉक को हिलाने की जरूरत नहीं आपको, दूसरे को बाहर करना है तो पहले ब्लॉक का, ये मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आप AP पढ़ के आते हो 10th में, मुझे लगा शायद प्लस वन में होती है, तो AP 10th में आपने की होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये उससे सॉल्व होगा, राइट। तो एंड मेडिकल ऑल्सो, तो इसमें डेल्टा x1 की वैल्यू, मतलब नीचे वाले ब्लॉक को नहीं हिलाया तो डेल्टा x1 की वैल्यू इज 0, राइट। यहां तो क्लियर है, डेल्टा x1 इज 0। दूसरे ब्लॉक जो पहले ऊपर था तो उसको चेंज करवा दिया सेंटर ऑफ मास, कितने सेंटीमीटर से? 8 से। उसके ऊपर वाला कितना चेंज हुआ? 16 से। उसके ऊपर वाला 24 से, 24 से, एंड सो ऑन, अगर मैं रखता जाऊं। अब उसने कहा कि सर ये कब तक चलेगा? मैंने कहा देख बात ऐसी है कि जो टोटल चेंज इन सेंटर ऑफ मास है, डेल्टा एक्स फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ होल सिस्टम, m1 × delta x1, m2 × delta x2, करते 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 mn × delta xn, डिवाइडेड बाय m1 + m2 up to mn, राइट। तो इस केस में
इस केस में डेल्टा एक्स वन की वैल्यू 0, डेल्टा एक्स टू की वैल्यू 8 एंड सो ऑन. तो मैंने फॉर्मूला लगाया एम वन डेल्टा एक्स वन, एम टू डेल्टा एक्स टू, एम एन डेल्टा एक्स एन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री अप टू एम एन. लेकिन मास तो हर ब्लॉक का सेम था, तो यहां पर क्या आएगा? एम 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 एम, ये एन इंटू एम हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा. तो आपके पास यही फॉर्मूला बचा, एम इंटू डेल्टा एक्स वन, एम इंटू डेल्टा एक्स टू, एम इन टू एम. तो ये जितना भी शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास आएगा पूरे सिस्टम का, आप ऊपर से ब्लॉक्स खिला रहे हो, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट होता जा रहा है, याद रखना वो 12.5 से ऊपर नहीं होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन. ये स्टेप समझ में आया? जो भी चेंज होगा ओवरऑल 12.5 एक्सीड ना करे. बस जीपी बन गई 0, 8, 16, 24 की एन टर्म्स की. फॉर्मूला लगाया अप टू एन टर्न्स, एन का मतलब है नंबर ऑफ ब्लॉक्स. और जब इस एपी को सॉल्व किया तो एन लेस देन 4.1 आया. अब फ्रैक्शन तो ब्लॉक्स है नहीं, तो कम से कम एन कितना होगा? 4. एक लंबा तरीका है, एक और इतना छोटा तरीका है कि देखो खत्म भी हो गया. कैसे? हिट एंड ट्रायल है. पहले आप ये बताओ कि अगर पहला ब्लॉक है, पहले ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हुआ? 0, 12.5 से कम है, वो तो नीचे है, वो तो वैसे ही नहीं गिरेगा, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है. जब दूसरा ब्लॉक आया तो कितना शिफ्ट हुआ? 8. तो 0 प्लस 8 एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू बाई एम वन प्लस एम टू डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा. 0 प्लस 8 बाई 2 करेंगे 12.5 से कम आएगा, नहीं गिरेगा. जब तीसरा ब्लॉक आया तो डिवाइड बाई 3, 12.5 से कम आंसर आएगा, नहीं गिरेगा. चौथा लगाया, 12.5 से कम आ रहा है, नहीं गिरेगा. 4 ब्लॉक तो पक्के ही हो गए. अब जब यहां पांचवा लगेगा डिवाइड बाय 5, तब जाएगा 12.5. तो आंसर 4 है. हिट एंड ट्रायल कितने ब्लॉक दे देगा? 50 थोड़ा दे देगा टिकाने वाले. तो ऐसे उल्टा भी कर सकते हो, एपी से भी कर सकते हो. लेकिन जो भी करो, घर जाओ, रजिस्टर के अंदर दोनों शीट्स अगली बार होनी ही चाहिए. अगर इतना भी नहीं हो रहा ना, फिर इसका मतलब आप फिजिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ रहे. तो जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम आएगा, दोनों शीट्स का काम होना चाहिए, क्योंकि जब आप लिखोगे अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी आपकी.